हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, जो परीक्षा चल रही है, आप थंबनेल पर देख ही लिए होंगे, तो उस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और पिछले बार किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे ज़्यादा बार, उस सभी प्रश्नों को कवर किया है इसमें, जीके और जीएस के। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। दोस्तों तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, ऋग वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। ठीक है, पशुपालन था उसका व्यवसाय। अगला, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। माजुली विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप असम के जोरहट जिले में स्थित है। माजुली जो है वो विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो कहाँ पर स्थित है? असम के जोरहट जिले में। अगला, करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। करो या मरो का नारा कब दिया गया था और किन के द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, और कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्निया। बोर्निया जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, बोर्निया द्वीप एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत के राष्ट्रपति को भारत का क्या माना गया है? प्रथम नागरिक। और देखिए, उनके जो प्लेटफॉर्म नंबर होता है गाड़ी के नंबर, तो 01 होता है। ठीक है, प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति माना गया है, और वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। देखिए, कच्चे आम में तो विटामिन सी पाया जाता है और बहुत कम मात्रा में ए पाया जाता है, लेकिन पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है और बहुत कम मात्रा में सी पाया जाता है। प्याज एक क्या है? बल्ब होता है या कंद होता है? बल्ब या कंद होता है प्याज। बल्ब भी होगा और कंद भी होगा, बल्ब को ही कंद कहते हैं। क्लोनिंग पद जनन विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, क्लोनिंग जो है पद, ये किससे संबंधित है? जनन विज्ञान से संबंधित है। अगला, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ। अगला, वर्ष 1974 में असम की राजधानी शिलांग से दिसपुर में बदल दी गई। वर्तमान में कहाँ है? असम का दिसपुर है, और पहले कहाँ था? 1974 से पहले तो शिलांग था, असम की राजधानी शिलांग था। अगला, भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असामी कौन था? तो फखरुद्दीन अली अहमद। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असामी जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगला, मृत सागर में पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है। मृत सागर में पानी का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? उच्चतम होता है। ठीक है, अगला देखिए, समुद्र की गहराई सामान्यतया फैदोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, समुद्र की जो गहराई मापी जाती है वो सामान्यतः किससे नापी जाती है? फैदोमीटर से। अगला देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह हैं शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अगला, पाचित खाना छोटी आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है। पाचित खाना किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? छोटी आंत द्वारा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ना हार्ड होता है ना नॉर्मल होता है, मॉडरेट क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे आगे के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त। और